नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल की बर्फ़ी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में लगभग 150 ग्राम नारियल का बुरादा डाला है। हम गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे। ये हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है। ये बुरादा हमें लगभग 1 से 2 मिनट तक भूनना है। जब ये 2 मिनट तक भून जाए तो इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने 50 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। इसे भी हम साथ में लगातार भूनते रहेंगे और 1 मिनट के भूनने के बाद हम इसमें 150 ग्राम शुगर पाउडर डालेंगे और लगातार भूनते रहेंगे। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच मिल्क डालेंगे। मिल्क डालने के बाद हमारा शुगर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालने के बाद हम इसे धीरे धीरे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये हमारा नारियल, शुगर और मिल्क पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो गया है और अच्छा कलर भी आ गया है, एकदम ऑरेंज की तरह। इसको हम धीरे धीरे पका लेंगे जब तक कि थोड़ा सा ये सूखा जैसा ना हो जाए। आप देख रहे हैं अभी हमारा रेडी हो गया है, तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है और लगभग 5 मिनट तक ठंडा कर लिया है। अब हम इसका लड्डू बनाएंगे, गोल करेंगे। इसे मैंने 5 मिनट तक ठंडा कर लिया है। इसे गोल करने के लिए हम अपने हाथों में तेल लगाएंगे और इसे गोल करेंगे। आप साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसे ऑरेंज की तरह गोल करेंगे धीरे धीरे हाथों से। देखिए ये हमारा गोल हो गया है। अब डंटल का इफेक्ट देने के लिए हम एक लौंग लेंगे और इसको डालेंगे। एक मिंट लीव लेके हम इसे इस तरह रखेंगे ताकि ये बिल्कुल ऑरेंज की लीफ की तरह दिखे। ये हमारा लड्डू रेडी हो गया है। इस तरह हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। इसी प्रोसेस हम अपनी सारी लड्डुओं को बना लेंगे। ये हमारी सारी लड्डुएँ बन के तैयार हो गई है। ये दिखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।